दोस्तों, खांसी की समस्या चाहे ड्राई कफ हो, चाहे वेट कफ हो, बलगम आता है या चाहे सूखी खखार गले में बनी रहती है, इन सभी ही तरह की समस्याओं में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है वासु कंपनी का यह जील कफ सिरप। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस सिरप के फ़ायदे, इसका सेवन करने की सही विधि, सावधानियां इत्यादि के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस जील कफ सिरप के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक छोटी सी बोतल है 100 ml की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वासु जील कफ सिरप। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानकारी करते हैं कि इसका निर्माण करने के लिए किन किन मुख्य जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया है। तो इसके फॉर्मूलेशन को देखने से हमें मालूम होता है कि इसके अंदर वसा मिलाई गई है, उसके अलावा तुलसी का प्रयोग किया गया है, मुलेठी का प्रयोग किया गया है, कंठकारी इसके अंदर मिलाई गई है, शुंठी इसके अंदर मिलाई गई है और तिरिकटू के घटक द्रव्य भी इसके अंदर में मिलाए गए हैं। उसके अलावा नीलगिरी का तेल, पुदीने का सत्व और नौसादर इसके अंदर मिलाया गया है और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके अंदर मिलाया गया है, जिसके कारण यह सिरप पीने में मीठा लगता है। बात करते हैं इस सिरप के सेवन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसके अंदर जो तुलसी मिलाई गई है और मुलेठी मिलाई गई है, ये दोनों ही तत्व आपको फ़ायदा करते हैं ड्राई कफ की समस्या में और गले में जो इचिंग खराश बनी रहती है उसको शांत करने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर मिलाया गया वासा और कंठकारी और त्रिकटू, ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसी खांसी में फ़ायदा करती हैं जिसमें रोगी को फेफड़ों के अंदर बलगम बन रहा है तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छा यह लाभ करती हैं। बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन होने के कारण जिन रोगियों को सांस लेते वक्त फेफड़ों में सीटियाँ सी बजने लगती हैं, उनके लिए यह वासु का जील सिरप एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा सामान्य खांसी, एलर्जिक कफ इत्यादि में आप इसका सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में और इसकी सही मात्रा कितनी रहती है। तो इसकी सेवन विधि है कि इसको दिन में 2 बार 3 बार, अधिकतम 4 बार तक सेवन किया जा सकता है। जो बच्चे छोटे हैं 2 साल से, उनके लिए इनकी जील की एक ड्रॉप आती है बच्चों के लिए, 2 साल से छोटे बच्चों को वह देनी चाहिए और 2 साल से लेकर 8-9 साल तक की आयु के बच्चों को यह 1 ml, 2 ml अथवा 5 ml की मात्रा में अधिकतम दिया जाना चाहिए। 8 साल से अधिक आयु के बच्चों को 5 ml, 6 ml, 7 ml, इस हिसाब से आयु के हिसाब से बढ़ते बढ़ते अधिकतम 10 ml तक जाना चाहिए और नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए भी इसकी मात्रा 10 ml रहती है। 10 ml मात्रा अर्थात इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो 5 ml का होता है। तो 2 ढक्कन दवाई और उसके अंदर 2 या 4 ढक्कन गुनगुना गर्म पानी मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि खांसी पैदा करने वाली चीज़ें ठंडा पानी, मूली, अचार, खटाई, सिरका इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इस मेडिसिन के सेवन काल में जो आपको मेन पथ्य का पालन करना चाहिए। तो ऐसी कोई भी भोजन जो ताज़ा बनाया गया है, घर का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गरिष्ठ आहार नहीं मिलाया गया है, ऐसा भोजन आपको सेवन करना चाहिए। उसके बाद में बाहर की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड, डीप फ्राइड, ऐसा भोजन आपको सेवन करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। बात करें इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में, तो 100 ml की पैकिंग में यह जील कफ सिरप आता है। 100 ml का जो प्राइस है वो 70 rupees इसके ऊपर मेंशन किया गया है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से यह जील कफ सिरप आपको मिल जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जील कफ सिरप के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी और लाभकारी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा।
तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।